अब रुख करते हैं नागौर का, जहां पर कांग्रेस के जिला सचिव बंसीलाल धांधलास ने उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की इन योजनाओं से हर निचले तबके का व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जो बजट पेश किया है, उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़ी सौगात दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछली बार जो होता है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन अब की बार जो गहलोत जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, इनको देखते हुए हमारे को ऐसा लग रहा है कि जनता के अंदर अब की बार वापस कांग्रेस का रुझान है। और सबसे बड़ा काम इन्होंने एक जो गवर्नमेंट कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन थी उसको लागू करके इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सेकेंड के अंदर जो मेडिकल व्यवस्था के अंदर इन्होंने जो पहले 5 लाख के जो व्यवस्था थी मेडिकल कोर्स में, उसको बढ़ा के इन्होंने 25 लाख तक कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ कि गरीबों के साथ ये बहुत ही अच्छा काम है, हर गरीब शोषित परिवार के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। सेकेंड में जो इन्होंने एक योजना और चल रही है कि 5 लाख का जो बीमा था एक्सीडेंटल बीमा, कोई भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख तक किया, ये भी एक बहुत बड़ी योजना है। तो मैं समझता हूँ यदि जनता इन योजनाओं को देखते हुए वोट देगी तो वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी।